फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल। उसके लिए जो हमें चीजें चाहिए होगी, आधा किलो मैंने गाजर ली है, एक कप मैंने मटर लिए हैं, एक कप मैंने आलू के उसमें कटे हुए लिए हैं, दो दरमियानी साइज की कटी हुई प्याज, दो दरमियानी साइज के टमाटर, 2 टेबल स्पून धनिया चॉप किया हुआ, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, हसबे जायका नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट और ऑयल 1/2 कप। चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले ऑयल डाल लेते हैं बर्तन में। अब डालेंगे प्याज, लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। एक मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब हम वेजिटेबल्स डाल देंगे, आलू, मटर, दो मिनट तक इसे फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे सारे। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, दस चीनी, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक। हम इसे 5 मिनट तक ऐसे भूनेंगे। हमें 5 मिनट हो गए भूनते हुए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे लो फ्लेम पे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए और रख देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह कितनी जबरदस्त तैयार हुई है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी मिक्स वेजिटेबल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।